हैक है कंसीलर, आपने जहाँ पे ज़्यादा लगा लिया हो गलती से, ऐसे करूँ तो शायद ब्रश के स्ट्रोक्स पड़ सकते हैं। जॉ लाइन पे कैसे कंटूर अप्लाई करेंगे, ना ऊपर हो ना नीचे हो, इसके लिए एक ट्रिक है। दिस इज़ द फाइनल लुक एंड दैट्स हाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अमेजिंग सा मेकअप लुक क्रिएट करके बताने वाली हूँ। टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो बेसिकली हम जो टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, जस्ट लाइक फेस क्रीम हो गया, फेस सेरम हो गया, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, या कोई भी स्किन केयर या स्किन कॉस्मेटिक से रिलेटेड हम जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और हेयर केयर वाले में भी कोई भी नॉर्मल केयरिंग ग्रूमिंग वाले जो एड्स देखते हैं, उसमें जो मॉडल का जो फेस होता है वो काफ़ी ग्लोई एंड बिल्कुल क्लियर स्किन दिखाई देता है। तो वो मेकअप लुक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ नेचुरल फेस, वो ऑलरेडी मेकअप किया हुआ होता है, बट ऐसा मेकअप किया होता है कि वो बिल्कुल नेचुरल एंड नो मेकअप लुक देता है। तो ये नो मेकअप लुक नहीं होने वाला है, बिकॉज नो मेकअप लुक में भी मेकअप दिखाई दे जाता है। इस मेकअप लुक में आपको मेकअप दिखाई नहीं देगा, ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको कुछ मेकअप हैक्स भी बताऊंगी जो बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ज्वेलरीज हटा दिया, बिकॉज जो भी कॉस्मेटिक्स के ऐड आते हैं उसमें ज्वेलरीज तो नहीं होते हैं। ये नोज पिन मैं नहीं हटा सकती, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट परमानेंट, इसे निकालने में बहुत मेहनत लगेगी। नाउ स्किन प्रेप करना है तो टोनर, सेरम, अंडर आई क्रीम और फिर मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र भी मेरा लगा हुआ है, बट मेकअप के लिए एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र लगेगा, क्योंकि मैंने जो मॉइस्चराइज़र लगाया था वो तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले लगाया था, और वो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो चुका है या उड़ चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, आप जो समझ लो। तो अभी मेरे फेस पे उतना हाइड्रेशन नहीं है कि वो मेरा मेकअप बियर कर सके। सेटाफिल का डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन लिया है मैंने, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है एंड विंटर्स के लिए भी, बट दिस इज़ बहुत ऑयली फिनिश दिखता है थोड़ा। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये डेली यूज़ के लिए मत लेना, ड्राई स्किन है तो डेली यूज़ के लिए ले सकते हो। चलो मॉइस्चराइज़र तो मैंने लगा लिया, अब मैं लगा लेती हूँ एक प्राइमर। मेकअप का बेसिक स्टेप तो आपको फॉलो करना ही है, बिकॉज दैट इज़ द मस्ट, उसके बिना कोई भी मेकअप हो, चाहे लाइट हो, डार्क हो, लाइट हो, हैवी हो, मीडियम हो, आप नहीं कर सकते बिना स्किन प्रेप किए। तो ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्लूम का सिल्क ब्लर प्राइमर, हाइड्रेटिंग प्राइमर, मॉइस्चराइजिंग प्राइमर, सॉरी। प्राइमर भी मैंने कर लिया है ब्लेंड, और मैं इस वीडियो में आपको कोई भी एडिटिंग नहीं दिखाऊंगी, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि ये सिंपल सा मेकअप लुक करने में कितना टाइम लगता है। ऑल्दो मैं आपसे बातें करते हुए वीडियो बना रही हूँ, तो आप 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। ओके, ये हो गया। कलर करेक्शन इज़ द मस्ट, आपको क्लियर स्किन चाहिए तो जो भी एक्ने है, स्कार है, उसको आप करेक्ट कर लो। तो ये है इनसाइट कॉस्मेटिक्स का प्रो कंसीलर पैलेट, तो इसमें से मैं इस बार लूँगी ये डार्क कलर कंसीलर, जो कि ऑरेंज कलर करेक्टर के बजाय ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑरेंज कलर इसका थोड़ा सा लाइट है तो वो उतना अच्छे से कवर नहीं करता है। ये डार्क वाला मैंने ले लिया, और मैं इसको डायरेक्टली कंसीलर ब्रश की हेल्प से अपने आँखों पर प्रेस कर, आईलेट पे भी मैं लगा रही हूँ कलर करेक्टर, क्योंकि आईलेट पे अभी हल्का सा मेकअप देना है। मेरी आईलेट तो बहुत डार्क है जो कि नेचुरल नहीं लगेगी, तो और अंडर आई पे तो लगाना ही है। सो ये मेरे डार्क सर्कल से ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, तो ये मेरे डार्क सर्कल को न्यूट्रलाइज कर ही देगा। तो दिस इज़ द हैक कि आप डार्क कंसीलर यूज़ कर लो अपने ब्राउन स्पॉट्स को कवर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, नॉट कवर करने के लिए। एंड पहले लगाओ अच्छे से, राइट। ये मैं लगा रही हूँ, ठीक है, ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, और मैं आई एरिया पे ऐसे स्वाइप नहीं करूँगी, क्योंकि स्वाइप करने से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स बढ़ने के चांसेस हैं, पड़ने के चांसेस हैं, तो मैं इसलिए ऐसे प्रेस करते हुए ही इसे लगा रही हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग,
ब्रश से कंसीलर और फाउंडेशन में फ्लॉलेस ब्लेंडिंग नहीं मिलती है, मुझे तो नहीं मिलती, आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलती, हल्की हल्की मिल जाती है बट फ्लॉलेस एकदम एयर ब्रश वाली फिनिश नहीं मिलती है। ये मैंने लगा लिया, नोज़ पे थोड़ा सा स्कार है वहाँ पे भी मैं लगा लेती हूँ थोड़ा, ये थोड़ा सा लिप्स के अराउंड लगा लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस रहता है। जहाँ पे भी आपको डार्कनेस है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि फाउंडेशन हमारा ऐशी दिखाई देता है, ग्रे दिखाई देता है, वहाँ पे आप लगा लो। राइट, अब यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ, यहाँ पे भी थोड़ी डार्कनेस है, ये मैंने लगा लिया कलर करेक्टर पूरे फेस पे। राइट, अब इसको मैं करूँगी ब्लेंड, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ अप्लाई किया था, अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। सो अंडर आई एरिया पे पहले ब्लेंड कर लेती हूँ। ये कर लिया मैंने ब्लेंड, अब जो कलर करेक्टर लगाया, चाहे ऑरेंज लगाया हो चाहे ब्राउन लगाया, उसको हम करेंगे कवर। कवर करने के लिए आपको चाहिए एक कंसीलर, कंसीलर भी मैं ले रही हूँ मेरी स्किन टोन से मैचिंग कंसीलर ले रही हूँ, बहुत लाइट नहीं ले रही हूँ, बहुत यू नो कंसीलर हमें दो शेड लाइट यूज़ करने चाहिए बट वो हाइलाइटिंग के लिए है, बट मैं यहाँ पर नॉर्मल मेरी स्किन टोन से मैचिंग कंसीलर ले रही हूँ। सो ये फेसेस कैनेडा का हाई कवर कंसीलर इन द शेड 02 हनी क्रीम, और ये मैंने लगाया, ये थोड़ा येलो टोन में है क्योंकि मेरी स्किन टोन येलो अंडरटोन में है, और ऑनलाइन में एक्चुअली शेड पता नहीं चल रहा था सो मैंने ले लिया, अदरवाइज़ मुझे नेचुरल टोन के शेड्स ज़्यादा अच्छे से सूट करते हैं, येलो भी करता है नेचुरल भी करता है बट नेचुरल ज़्यादा अच्छा करता है। तो ये मैंने लगा लिया, जहाँ पे भी मैंने करेक्टर लगाया वहाँ पे मैं लगा लेती हूँ। ये हाई कवर कंसीलर है तो ऑलरेडी आपको फुल कवरेज देगा, इसलिए बहुत सारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक हैक है कंसीलर, आपने जहाँ पे ज़्यादा लगा लिया हो गलती से, वहाँ से आप ब्लेंडिंग शुरू करो। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये ब्यूटी ब्लेंडर अब्जॉर्ब कर लेगा आपका कंसीलर एक्स्ट्रा, तो उसके बाद आप बाकी जगह पे ब्लेंड करोगे तो आपको मुश्किल नहीं जाएगी, वहाँ पे पैची नहीं दिखेगा। ये मैं कर लेती हूँ ब्लेंड, पहले मैं अंडर आई एरिया आईलेट पे ब्लेंड कर रही हूँ, अंडर आई एरिया में सबसे लास्ट में ब्लेंड करूँगी बिकॉज इट्स अ हैक। हैक ये है कि अंडर आई पे बहुत ज़्यादा क्रीजिंग हो जाती है, तो सबसे लास्ट में मैं ब्लेंड करके तुरंत वहाँ पे पाउडर से सेट कर लूँगी। राइट, तो पहले मैं जहाँ पे कंसीलर लगाया वो ब्लेंड कर लेती हूँ। अब मैं अंडर आई एरिया पे ब्लेंड कर रही हूँ एंड आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट मेरा स्किन जो है इवन टोन दिखने लग गया है, फाउंडेशन नहीं लगाया है तब भी, बिकॉज मैंने अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर लगाया था, लाइट लगाती तो फिर मेरा स्किन जो है कहीं पे गोरा दिख रहा होता और कहीं पे जो मेरी स्किन टोन है वो, तो वो मुझे नहीं चाहिए था, है ना। अब मुझे फाउंडेशन लगाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी फाउंडेशन लगाने में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगेगी क्योंकि ऑलमोस्ट कवर हो चुका है एंड मैं लेयरिंग भी नहीं करने वाली हूँ। अंडर आई एरिया पे तो बहुत क्रीजिंग होती है तो मैं अंडर आई एरिया पे फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, आई एरिया पे नहीं लगाऊंगी, ठीक है। ये मैंने लगा लिया, मैं फटाफट से सेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी फाउंडेशन लगाना है।
फाउंडेशन आपका वही होना चाहिए जो आपकी स्किन टोन से मैच करे। सो मैंने यहाँ पे ले लिया ये मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन विटामिन सी वाला, न्यूड ग्लो 03 इसका शेड है। पता नहीं मैंने गलत शेड ले लिया, मैं बेज लेने वाली थी बट ठीक है, जब मैंने इसे लगाया तो मैच कर गया। एक पंप लिया है इसका और सारा मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, पहले मैं डॉट्स बनाऊँगी। आप देख सकते हो मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा है। पहले मैं डॉट्स बनाऊँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पूरा लगाऊँगी, अदरवाइज़ इतने में कवर हो जाएगा तो ठीक है। ज़बरदस्ती जितना हाथ पे निकाल लिया वो पूरा का पूरा फेस पे लगाना ज़रूरी नहीं है, एंड नेक पे भी मेकअप लगाओ, जितना एरिया ओपन है वहाँ पे भी मेकअप लगाओ, करेक्टर लगाओ। मैं नेक पे करेक्टर लगाना जो है स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मैं जिस टाइम पे शूट करती हूँ उस टाइम पे मैं नेक का मेकअप क्लीन नहीं कर पाती हूँ, और इसलिए मैं ये स्टेप स्किप करती हूँ। और सिर्फ फाउंडेशन लगा होता है तो वो आसानी से क्लीन करते बन जाता है, करेक्टर करने से वो ज़्यादा लेयरिंग हो जाती है। अब देख सकते हो मेरे हाथ पे थोड़ा सा रह गया है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो इस तरफ से मैं ब्लेंड करूँगी एंड अंडर आई एरिया पे नहीं लगाऊंगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ब्लेंड करते करते थोड़ा सा कान पे भी लगा लो, बिल्कुल नेचुरल फिनिश वाला ही फाउंडेशन लेना, ना एक शेड लाइट ना एक शेड डार्क, ठीक है। आपको एकदम नेचुरल लुक चाहिए तो जो आपका नेचुरल स्किन टोन है उसी से मैच करता हुआ फाउंडेशन लो, ठीक है। ये मैंने कर लिया ऑलमोस्ट ब्लेंड, चलो ब्लेंडिंग में टाइम लगेगा तो ये पार्ट मैं थोड़ा सा एडिट कर दूंगी, ब्लेंडिंग वाला सिर्फ 2 मिनट का ही फ़र्क आएगा आपको, ज़्यादा नहीं आएगा। फाउंडेशन ब्लेंड करने में हार्डली 2 मिनट ही लगते हैं, ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट लग रहे हैं। ये हो गया ब्लेंड, अब मैं कर लेती हूँ पाउडर से सेट। तो मैं लूँगी एक लूज़ पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर, बट सेट करने से पहले मैं देख रही हूँ कि मेरा अंडर आई एरिया क्रीज तो नहीं हुआ है, क्योंकि फाउंडेशन लगाने में जो टाइम लगा उतने में हो सकता है क्रीज हुआ हो, बहुत हल्का सा हुआ है इस साइड पे। तो मैं पाउडर लगाने से पहले उसे फिर से ब्लेंड कर लेती हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, जैसा आप पाउडर लगा दोगे वो वैसा ही सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है ये स्पंज पफ जो भी आप बोलो, मैं पहले अंडर आई एरिया पे लगा लेती हूँ पाउडर, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सेट करना बहुत ज़रूरी है। आईलिड पे लगा लिया है ना, ये रहा। अब फेस पे मैं ब्रश से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये फाउंडेशन ना थोड़ा सा गीला लगा मुझे, इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ये जो स्पंज है उसी से ऐसे प्रेस कर रही हूँ। ब्रश से करूँ तो शायद ब्रश के स्ट्रोक्स पड़ सकते हैं फेस पे, क्योंकि फाउंडेशन गीला है। मेबलिन फिट मी फाउंडेशन रहता है तो वो गीला नहीं रहता है। एक और हैक है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो प्लीज़ आप कोई भी स्ट्रोब क्रीम ज़रूर मिक्स कर लेना अपने फाउंडेशन में। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है ड्राई नहीं है, इसलिए मैंने मिक्स नहीं किया है नेचुरल लुक के लिए, क्योंकि ड्राई स्किन ना मेकअप के बाद और ज़्यादा ड्राई और पैची दिखाई देता है, इसलिए आप हल्का सा स्ट्रोब क्रीम या फेशियल ऑयल या फिर जो थिक फेस सीरम होते हैं ना थोड़े ग्लोई वाले, रोज़ हिप ले सकते हो है ना, वैसा फेस सीरम आप फाउंडेशन में मिक्स कर लो, बस एक ड्रॉप ज़्यादा नहीं, और उसके बाद वो फाउंडेशन लगाना। ओके, तो ये हो गया मेरा फेस सेट। अब हम करेंगे अपना आगे का मेकअप। अब इतने में ही फेस कवर नहीं हुआ है, थोड़ा सा मेकअप भी लगेगा, एंड आप देख सकते हो पूरा कवर नहीं हुआ है क्योंकि मैंने फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं लगाया था। ये मोल्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ जो डिस्कलरेशन था मैंने वही कवर किया है। लिप्स पे थोड़ा सा लग गया ताकि जो भी मैं लिपस्टिक लगाऊँ वो हल्की सी दिखाई दे, है ना। अब हम करते हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए आपको चाहिए बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल आई मेकअप, बहुत ज़्यादा
कलर नहीं दिखना चाहिए ऐसा आई मेकअप। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का पैलेट नंबर 06 अल्टीमेट शेडो पैलेट, और ये फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है, अभी अभी शूट किया था तो ये थोड़ा सा गंदा है बट लाइट कलर है इसलिए मैं इसे यूज़ कर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ना ये जो दो शेड्स हैं, एक ये और एक ये दोनों मेरी स्किन टोन पे एक या दो शेड ही डार्क है, मैं ये दोनों को मिक्स कर लेती हूँ और लाइट शेड वाला ज़्यादा लूँगी और थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लिया। क्रीज मैं बनाऊंगी थोड़ा सा, यानी कि मैं आई कंटूर कर रही हूँ। ताकि मेरी आंखों की शेप अच्छी दिखाई दे, पता चले कि मेरी आंखों का शेप कैसा है। बहुत डीप शेड नहीं लगानी, आप दोनों आंखों पे डिफरेंस देख सकते हो, आई कंटूर हो गया है ऑलमोस्ट एंड थोड़ा सा क्रीज से ऊपर भी मैं ब्लेंड कर देती हूँ ताकि ऐसा लाइन ना दिखाई दे कि मैंने आंखों पे कोई कलर लगाया। अब ये जो लाइट वाला शेड है ना, ये मैं आईलिड पे थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ क्योंकि आईलिड पे जो मैंने कंसीलर लगाया था ना वो दिखाई दे रहा है। आईलिड क्या होता है, थोड़ा सा आपके स्किन टोन से एक दो शेड डार्क होता है, मेरी आईलिड ज़्यादा ही डार्क थी इसलिए मैंने कलर करेक्टर और कंसीलर लगाया। दिस इज ये हो गया हमारा आई मेकअप, ऑलमोस्ट पूरा नहीं हुआ है ऑलमोस्ट। ओके अब हम कर लेते हैं फेस कंटूरिंग एंड शेपिंग। सो यही पैलेट मैं ले लेती हूँ और ये जो ब्रश है मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। मैं सिर्फ नोज़ कंटूर करूँगी, चीक्स पे कंटूरिंग नहीं करूँगी, हल्का सा जॉ लाइन पे कंटूर करूँगी ताकि ये जो डबल चिन जैसा दिख रहा है वो थोड़ा सा छुप जाए। यहाँ पे कंटूर नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ा नेचुरल कंटूर दिख ही रहा है मेकअप लगाने के बाद भी। अब इसमें ही ना ये जो ब्राउन शेड है मैट वाला, ये मैंने ले लिया डैप। नोज़ पे हल्का सा, बहुत हल्के हाथों से लगा रही हूँ ये, और ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर लेती हूँ इस तरीके से। ये हो गया मेरा नोज कंटूर। अब इसमें अगर एक लाइट शेड है थोड़ा सा तो वो मैं सेंटर पे लगा देती हूँ ऐसे। सेंटर पे आपको शाइन नहीं लगाना, हाइलाइटर नहीं लगाना, ओके, अदरवाइज पता चल जाएगा कि आपने नोज पे हाइलाइटर लगाया हुआ है। मैट तरीके से हाइलाइट करो नोज को। तो ये नेचुरल कंटूर हो गया है हमारा, जहाँ पे आपको थोड़ा डार्क दिख रहा हो आप फिंगर की हेल्प से ऐसे प्रेस कर लो या ब्यूटी ब्लेंडर से प्रेस कर लो, वो ब्यूटी ब्लेंडर अब्जॉर्ब कर लेगा। हो गया ऑलमोस्ट या जॉ लाइन, रियली सॉरी जॉ लाइन पे इसी ब्रश से मैं कर लेती हूँ। ये मैंने लाइन बना ली ऐसे और अब मैं ले लेती हूँ ये ब्यूटी ब्लेंडर और प्रेस। दिस इज इट। जॉ लाइन पे कैसे कंटूर अप्लाई करेंगे, ना ऊपर हो ना नीचे हो, इसके लिए एक ट्रिक है, हमेशा ऐसे ऊपर देखो, मिरर आपका नीचे है तो आईज नीचे रखो बट हेड आप थोड़ा सा ऐसे टर्न कर लो या ऊपर कर लो, इससे आपको यहाँ की बोन दिखाई देने लगी और इसी बोन पे आपको कंटूर ड्रॉ करना है बिल्कुल ऐसे। अब ये ड्रॉ हो गया, अब आप इसको किसी भी टूल से ब्लेंड कर लो जो आपका फेवरेट टूल है, बट फेस आपका ऐसा ही रहेगा, सीधा नहीं करना। ब्लेंड हो गया उसके बाद आप अपना फेस सीधा कर लो एंड जॉ लाइन कंटूर हो जाएगी। चलो जॉ लाइन का काम हो गया, अब हम कर लेते हैं अपना ब्लश। जैसा कि मैंने कहा मैं फेस का कंटूर नहीं करने वाली हूँ, नेचुरली दिखाई दे रहा है। ब्लश के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ लिप एंड चीक टिंट जो कि बहुत नेचुरल लुक देता है एंड ये जो शेड है ये है बी द चेंज फ्रॉम लवर एंड पीची शेड है। पीची ब्लश हर स्किन टोन पे सूट करता है, दिस इज़ द शेड। और मैं क्रीमी कंटूर है तो मैं इसके लिए ये स्टिपलिंग ब्रश यूज़ करूँगी, ये मैंने ले लिया है
आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी लगा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा मैं हाथों के पीछे लगा लेती हूँ, कहीं ज़्यादा ना लग जाए फेस पे, राइट। ये मैंने लगा लिया, क्योंकि ये पाउडर तो है नहीं जो मैं इसको ऐसे डस्ट ऑफ कर दूँ। हाथों पे थोड़ा सा एक्सेस रिमूव कर लिया, ब्रश पे अभी भी है। बिल्कुल नेचुरल दिखना नहीं चाहिए, आपको दिखाई दे रहा है कैमरे पे, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कैमरे पे, आपको नहीं दिख रहा होगा। एंड ये मैं थोड़ा सा यहाँ भी लगा रही हूँ बिकॉज एप्पल्स पे, क्योंकि आई हैव चबी फेस पर मैं यहाँ पे ब्लश नहीं लगाती हूँ, बट नेचुरल लुक के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। पार्टी लुक करना होता है तो मैं हाईलाइटेड या लिफ्टेड ब्लश लगाना पसंद करती हूँ। ये हमने कर लिया ब्लश, राइट, दिस इज इट। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आँखें आपकी कैसी है। आँखें बिल्कुल नेचुरल, आईब्रोज थोड़ी गीली गीली सी दिखाई देती है, शाइन करती हुई दिखाई देती है, उसके लिए एक हैक है, दैट इज़ अ वैसलीन। आपको वैसलीन लेना है, कुछ नहीं मिलाना है इस पर, डोंट वरी, मैं ओवर स्टेपिंग नहीं करूँगी। फिंगर पे थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा, और ये दोनों फिंगर पे मैंने कर लिया इसको स्प्रेड, और धीरे से मैं इसको अपने आईब्रोज पे टच कर रही हूँ। आईब्रोज से बाहर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ का मेकअप हट जाएगा, ठीक है। वैसलीन से मेकअप हट जाता है। ये मैंने लगा लिया और अब मैं ले लेती हूँ एक स्पूली ब्रश, जो कि मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है। तो ये मैंने ले लिया स्पूली ब्रश और मैं इसको थोड़ा सा कॉम्ब कर लेती हूँ। वैसे नेचुरल आईब्रोज इतने कॉम्ब नहीं होते हैं, बट थोड़े शेप में तो दिखाई देते ही हैं, जो मॉडल्स के आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, और तभी ये थोड़ा सा शाइन करेगा अगर आप इसको प्रॉपरली कॉम्ब कर दोगे तो। ये हो गया हमारा आईब्रोज, कोई भी प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है आईब्रोज पे। नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा इज द मस्ट, ठीक है। मस्कारा भी नेचुरल होना चाहिए, लैशेस आप थोड़े कर्ल कर लो अगर लंबे हैं तो। सो मैं भी यहाँ पे कर्ल कर लेती हूँ लैशेस। इससे आंखें थोड़ी वेकअप दिखाई देगी, ऐसा नहीं लगेगा कि सोए हुए हैं। ओके, कर्ल कर लिए मैंने मेरे लैशेस, अब मैं लगा लेती हूँ मस्कारा। फॉल्स लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके लैशेस लंबे नहीं हैं बट स्ट्रेट हैं तो भी आप कर्ल कर लो। ये है मेबलिन द कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा एंड बहुत ही नेचुरल लगता है लैशेस पे। दिस इज़ माय फेवरेट वन, हर रोज़ ऑफिस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मस्कारा। लोअर लैश पे भी लगाना बाबा, छोड़ना नहीं। ओके, अब डबल टिबल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें नेचुरल लुक चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लैशेस नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट मेकअप। हाइलाइटर थोड़ा सा हम यहाँ पे लगाएंगे, बट वो नेचुरल होना चाहिए। सी एक ये हाइलाइटर है, ये आप देख सकते हो, ये जो हाइलाइटर है ऊपर के चार, ठीक है, ये थोड़े कलर दिख रहे हैं, तो ये जैसे फ्लैश पड़ेगा, लाइट पड़ेगा फेस पे, वो कलर दिखाई देगा। तो ऐसे कलर वाले हाइलाइटर नहीं लगाना। ये जो सबसे फर्स्ट पे है ना सिल्वरी हाइलाइटर, या जो आपकी स्किन टोन से मैच करता हो, ये सिल्वरी वाला थोड़ा सा मैच कर जाएगा, राइट। या फिर आप ये हाइलाइटर देख सकते हो जो कि बिल्कुल ही सिल्वरी है, बट लगाने के बाद, ब्लेंड करने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये हाइलाइटर हम यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल हाइलाइटर यूज़ नहीं करना, लाइक ब्रॉन्जर, पर्पल, गोल्डन, ऐसे हाइलाइटर्स नहीं लगाना। ऐसे हाइलाइटर्स पार्टीज में ही अच्छे लगते हैं। अब हाइलाइटर लगाने के लिए हमें चाहिए एक ब्रश, फैन ब्रश, तो वो भी मैं ढूंढ लेती हूँ। दिस इज़ द फैन ब्रश
और इस पे मैं ले लेती हूँ ये हाइलाइटर। सिल्वरी दिख रहा है बट यहाँ पे थोड़ा सा जो ये पार्टिकल्स हैं ना इसके, ये गोल्डन दिख रहा है, तो ये तो मैं नहीं लगाऊंगी। एक और हाइलाइटर जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला इंस्टेंट, ये है इन कलर कॉस्मेटिक्स का रोज़ गोल्ड 04, तो शिमर ब्रिक इसका, ये जो नीचे वाला है ना जो सबसे फर्स्ट शेड, ये मैं ले रही हूँ। और बिल्कुल कोई दूसरा शेड नहीं चाहिए मुझे, यही चाहिए। हल्का सा मैंने ब्रश पे लिया, एक्सेस को डैप किया, और बिल्कुल जहाँ पे अभी लाइट जल रही थी मेरी चीक्स पे, जहाँ पे लाइट पड़ रहा है मुझे मिरर पे साफ दिखाई दे रहा है, मैं वहीं पे ये हाइलाइटर ऐसे लगा रही हूँ। ऐसे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं पार्टी में नहीं जा रही हूँ, मैं बस स्ट्रोक दे रही हूँ कि नेचुरल हाइलाइट दिखाई दे। या आप समझ सकते हो जहाँ पे आपने ब्लश लगाया है ना वहीं पे लगा लो। ये हो गया हाइलाइटर, बहुत ज़्यादा स्ट्रोक नहीं देना है। थोड़ा सा वैसलीन यहाँ नीचे आ गया जो कि नेचुरली हाइलाइटेड लग रहा है, तो मैं इस तरफ भी उसको ब्लेंड कर लेती हूँ, एंड ब्राउ बोन पे मुझे हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट्स टाइम फॉर दी लिपस्टिक। तो जो मैंने ब्लश के लिए अप्लाई किया था वही लिप एंड चीक टिंट मैं लिप्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ, बट मेक श्योर कि शेड बहुत लाइट हो, और इसलिए मैं अपने फिंगर का यूज़ कर रही हूँ और रगड़ूंगी नहीं, हल्का हल्का। कैन यू सी द डिफरेंस? बस इतना ही टिंट चाहिए आपको, सिर्फ टिंट चाहिए, कलर नहीं चाहिए, राइट? तो ऐसे 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 रगड़ना मत, कभी भी लिपस्टिक ऐसे रगड़ रगड़ के मत लगाना, आपके लिप्स ड्राई हो जाएंगे और जो लिपस्टिक एकदम पैची दिखने लगता है ना वैसे दिखने लगेंगे। यस, सो आई हैव कंप्लीटेड माई मेकअप, और थोड़े से बाल मैं ठीक कर लेती हूँ। मेकअप तो मेरा कंप्लीट हो ही गया है, हेयर मैंने आज वॉश किए तो वो हेयर आज मेरा थोड़ा सा डल लग रहा है, और आई मीन बहुत ज़्यादा बुझा बुझा सा लग रहा है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं कौन सा लुक आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी। ऑल्दो जब आप नो मेकअप मेकअप लुक करते हो तो भी ब्लश काफ़ी सारा लगाया जाता है, एंड आईलाइनर नहीं होता है द सेम इज, बट लिपस्टिक लगाई जाती है जो कि कलरफुल दिखता है, एंड इसमें आपको लिप टिंट यूज़ करना है, लिपस्टिक यूज़ नहीं करना है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, एंड दैट्स हाउ द मॉडल्स लुक इन द एडवर्टिजमेंट्स। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।